नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पूरा होने पर दुनिया में भारत की एक अलग ही पहचान होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइपरलूप ट्रेन की, जिसकी स्पीड का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हो कि यह ट्रेन हवाई जहाज से दुगनी स्पीड से चलती है। क्या है पूरा प्रोजेक्ट, चलिए देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिर हाइपरलूप ट्रेन होती क्या है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में विशेष प्रकार से डिज़ाइन किए गए पोर्ट्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें यात्रियों को बिठाकर इन पोर्ट्स को ज़मीन के ऊपर बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट पाइपों में इलेक्ट्रिक मैग्नेट पर चलाया जाता है और मैग्नेटिक प्रभाव से ये पोर्ट्स ट्रैक से कुछ ऊपर उठ जाएंगे, जिससे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी और घर्षण कम होगा। इन बड़े बड़े पाइपों के अंदर वैक्यूम जैसा वातावरण तैयार किया जाएगा और वायु की अनुपस्थिति में पोर्ट्स में बैठकर 1000 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा की जा सकेगी। अब आपको बताते हैं भारत में हाइपरलूप ट्रेन का क्या अपडेट है। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में शुमार भारतीय रेलवे ने IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग के साथ इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 8.4 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। IIT मद्रास को इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय रेलवे से जो फंडिंग मिलेगी वो देखा जाए तो देश में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल को और मजबूती प्रदान करेगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यात्रा में जहां पूरा दिन लगता है, वहां मात्र घंटे भर में पहुंचा जा सकेगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।